आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हम सारे बाबा के बच्चे बाबा के साथ आध्यात्मिक रहस्यों की होली मनाएंगे। पर्व के रूप में तो मनाएंगे ही समय आने पर, लेकिन एडवांस में प्लानिंग करते, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम की जब हम शुरुआत करते हैं तो पहले हम प्लानिंग करते हैं, और वो प्लानिंग में प्रैक्टिकल कैसा होगा वो अनुभव करते हैं। तो इस बार प्रैक्टिकल में होली कैसे मनाएं वो हम अभी प्लानिंग में अनुभव करेंगे। सभी चाहेंगे ना, अनुभव करना चाहेंगे? यस। तो हम देखते हैं होली, बाबा ने इस होली शब्द पर चार अर्थ बताए हैं। सबसे पहला, मैं बाबा की होली, मतलब मैं बाबा की बन गई। दूसरा अर्थ, होली मीन्स प्योर, पवित्र, शुद्ध। कहते ये होली प्लेस है, मतलब ये पवित्र स्थान है। तो हम बाबा के बच्चे भी कैसे हैं? होलीएस्ट इन द वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व में हमारे जैसा पवित्र कोई नहीं, क्योंकि हमारा बाबा होलीएस्ट है तो हम उसके बच्चे मास्टर होलीएस्ट चिल्ड्रन है। तीसरा अर्थ है, जो कोई बात बीत चुकी उसको कहते होली सो होली, जो हो गया सो हो गया, बीती सो बीती। ओके, तो तीसरा अर्थ है, जो बीत गया सो बीत गया, मीन्स जो कोई घटना घटी, जो कोई बात हुई उसको हमें बिंदी लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, और उस परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकालना, ये है रियल होली। और चौथा अर्थ है मनाना, जो लौकिक में लोग होली का त्योहार मनाते हैं तो हमें भी ये त्योहार मनाना है, मीन्स खुशियां मनाना, ओकेशन मनाना। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले मैं बाबा की होली, अर्थात मैं बाबा की बन गई। तो जब मैं उसकी बन गई तो उसका रंग मुझ पर चढ़ गया, और परमात्मा होलीएस्ट इन द वर्ल्ड है, तो हम उसके बच्चे जब उनके हो गए तो उनका संग का रंग मुझ पर चढ़ गया, और ये रंग चढ़ने से मैं मास्टर होलीएस्ट इन द वर्ल्ड बन गई, संपूर्ण पवित्र बन गई। पवित्रता को सुख शांति की जननी कहते हैं। तो जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति तो है ही है, कंबाइंड है। अब हम देखते हैं कि जहां पवित्रता है वहां सुख शांति कंबाइंड है, और जहां सुख और शांति है, कहते ना जहां सुख चैन की बंसी बजती हो, वो कहां बजती है? तो स्वर्ग में। अर्थात हम होलीएस्ट प्लेस पर है, अर्थात बाबा के संगम जहां भी रहेंगे वो स्वर्ग है, इतना सुंदर अनुभव करेंगे। बरोबर। अब होली कैसे मनाई जाती है? एक, पहले दिन जलाना होता है और दूसरे दिन रंग लगाना होता है। भक्ति में या लौकिक में भी कहते हैं
कि होली के दिन होलिका नाम की एक लेडी थी जो प्रहलाद की बुआ लगती थी, और उन्होंने हिरण्यकश्यप का ये बेटा था प्रहलाद, तो जब उन्होंने सोचा कि मैं ही भगवान हूं, पर प्रहलाद को था कि नहीं भगवान मनुष्य नहीं है, वो अलग सुप्रीम पावर अलग है, और इस प्रकार से जब उन्होंने अपने पिता का विरोध किया तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, प्रहलाद के पिता ने, कि आप होलिका बनकर बैठो और इसको गोद में ले लेना, आप तो नहीं जलेगी, प्रहलाद जल जाएगा जो मेरा विरोधी है, है ना, यही स्टोरी बताते हैं ना। और हुआ क्या कि जो उसका दुपट्टा था, जो उसकी चुन्नी थी, जिसको ब्लेसिंग थी कि ये जब वो ओढ़ के बैठेगी तो नहीं जल सकती है, तो जो सच्चा है वो चुन्नी उड़ करके उस सच्चे पर आ गई और झूठे से उड़ गई, बराबर। जब हम सच्चे हैं, जब हम पवित्र हैं, जब हम उस सत्य के संग है, कनेक्ट है उस सत्य के साथ, तो प्रकृति भी हमारी दासी बनती है और हमें ऑर्डर तक नहीं करना पड़ता, हमारी सुरक्षा के लिए वो बंधी हुई है, और इसलिए उससे प्रकृति को भी पता चला कि ये प्योर सोल है, इसमें रियलिटी है, तो वो चुन्नी उड़ करके प्रहलाद पर आ गई और उसकी भुआ होलिका जल गई और प्रहलाद सेफ रहा। बाबा भी कहते हैं जो मेरे संग कंबाइंड रहेंगे, जो मेरे संग संग के रंग में रंगे रहेंगे, परमात्मा संग अर्थात सत्य का संग, और जो सत्य के संग है तो सत्य के तीन अर्थ है, एक सत्य माना ट्रुथ, दूसरा सत्य माना इमॉर्टल अविनाशी, इटर्नल कहते हैं ना, इमॉर्टल कहते हैं, तीसरा अर्थ है शक्ति पावर, कहते इसमें सत है मतलब इसमें पावर है, इसमें सत ही नहीं है मतलब इसमें कोई पावर ही नहीं है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है, इसमें कोई सत्व माना शक्ति ही नहीं है, उसका सारा कस एसेंस निकल चुका है, ये वेस्ट चीज बची अभी, तो सत्य अर्थात पावर, सत्य अर्थात अविनाशी, और सत्य अर्थात ट्रुथ सच्चा। तो जब हम सत संग में रहेंगे अर्थात परमात्मा एक ही सत्य इस संसार में, उसके संग में रहने से हमारी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती है, और वो संग का जब रंग लग जाता है हमारे ऊपर तो वो रंग इतना पक्का है कि फिर कोई अशुद्धता का अपवित्रता का कमी कमजोरी का रंग हमारे पर नहीं लग सकता। और ऐसी सत्य के संग में रहने वाली शक्तिशाली संपूर्ण प्योर सुख शांति से भरपूर ऐसी हम सुंदर होली मनाते हैं, होलीएस्ट बनकर फिर होली मनाते हैं। अब हम देखते हैं कि होली के अंदर पहले दिन जलाना और फिर मनाना, तो किसको जलाए, क्या जलाए, कैसे जलाए, कितना जलाए, लोग भी जलाने के लिए अंदर से तो कुछ बाहर निकालने की समझ नहीं है, तो जो बाहर दिख रहा है जिसको जलाया जा सकता है, पेपर, लकड़ी, कचरा, जो भी चीजें, तो वो लोग यहां वहां से कलेक्ट करके लाते हैं और एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर उसको परिक्रमा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, जल के सानिध्य में रह करके उसकी पूजा करके
उस पर फूल हार चढ़ा करके उस पे मीठे एक डोरी के अंदर, एक रस्सी के अंदर स्वीट शक्कर जो होती है उसको पिघल कर उसके शेप्स मोल्ड करते हैं और उसका हार बनाते हैं शक्कर का, और वो उसको सरेंडर करते हैं। इस प्रकार से पूजा याचना अर्थात उसके प्रति रिस्पेक्ट, और वो उसको सब कुछ सरेंडर करके विथ रिस्पेक्ट फिर उसको अग्नि दी जाती है। हमें भी क्या करना है, अपनी बुराई, कमी, कमजोरी, अशुद्धियां, व्यर्थ विचार, इन सब के जो कचरा पड़ा है, जो मेरे काम का नहीं है पर ये जलाया जा सकता है, इसको आग लगाई जा सकती है, ये होली मनाने में जलाने के काम में आ सकता है, तो ऐसा व्यर्थ कचरा जो मेरे जीवन में है उसे मुझे ढूंढ ढूंढ के निकालना है, एक जगह कलेक्ट करना है। और ऐसे कलेक्ट करके उसको दिल से थैंक्स देना है कि आधा कल्प आपने मुझे खूब सहयोग दिया, द्वापर कलयुग में आपका साथ खूब अच्छा रहा, आप घास के तिनके रहे या थोड़ी लकड़ियां रही, लेकिन आपने अपने संग में रखकर मुझे अपनी कैपेसिटी अनुसार जो सुख प्रदान कर सकते थे आपने किया। ये ज्ञान के जल का लोटा मेरे पास हो, ये उस समय को और उन परिस्थितियों को और इस माया को अब मुझे विदाई देनी है। आधा कल्प उसके साथ रहे हैं तो उसका थैंक्स तो करेंगे ना। एक व्यक्ति के भी संपर्क में आते हैं, दो दिन रहते हैं, कुछ हमने गलतियां की होती है, कुछ उनसे भूले हुई होती है, जब हम दोनों विदाई लेते एक दूसरे से, अलग होते हैं, हम कहते जो भी भूल चुक हुई हो माफ कर, भूल चुक माफ कहते ना उससे भी, और आपने जो मुझे इतना प्यार दिया, दुलार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक गुड मैनर समझते हैं ना, ये बात करके फिर हम विदाई लेते हैं। तो माया से भी मुझे अब विदाई लेनी है, क्योंकि माया रात है और बाबा दिन है, तो अब रात पूरी हो रही है और दिन शुरू हो रहा है, शुभ प्रभात शुरू हुआ है, तो मुझे उस रात से विदाई लेनी है विथ रिस्पेक्ट। पुराना साल जाता है, नया साल आता है, तो जाने वाले साल को सलाम करते हैं ना, रिस्पेक्ट देते हैं ना उसको भी, कि आपने मुझे जो भी सहयोग दिया, जो अचीवमेंट दी, जो अपलिफ्टमेंट दी, जो आगे बढ़ाया, जो अनुभव कराया, उसके लिए आपका शुक्रिया। आपने जो भी मुझे दिया इस साल में, इस साल का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम भी माया को विथ रिस्पेक्ट उसको विदाई देंगे, तो उसका थैंक्स करेंगे, तो शुभ संकल्पों के उनको थैंक्स करने के फूलहार चढ़ाएंगे, मन की मधुर वाणी के द्वारा, मिठास के द्वारा, अच्छी भावना के द्वारा आधा कल्प के लिए उससे विदाई ले रहे हैं और उसे छुट्टी दे रहे हैं। इसलिए ये मीठे हार बना करके उस पर सरेंडर करेंगे और ज्ञान का कलश समझ पूर्वक उसे विदाई देंगे। ऐसे उनका विथ रिस्पेक्ट सम्मान करते हुए, थैंक्स करते हुए, रिगार्ड रखते हुए ये सारी पूजा पाठ की प्रक्रिया कर लेंगे, और उसके बाद फिर अंतिम विदाई, फिर उसके साथ आधा कल्प के लिए जुदाई, और फिर बाबा कहते ना तीली लगा दो, माचिस की तीली लगा दो, अर्थात अग्नि लगा दो, उसको स्वाहा कर दो। तो क्या ऐसी
दृढ़ संकल्पों की तीली हम लगाएंगे लगाएंगे सभी लगाएंगे इस साल। यस, और ऐसी सच्ची सच्ची होली बड़े प्यार से, शुभ भावना से, अच्छे विचारों के साथ हम मनाएंगे। अब जला तो दिया, फिर जल जाने के बाद क्या करते, उसके अंदर नारियल भी डालते हैं, श्रीफल। कौन सा श्रीफल डालेंगे? ऊपर से कड़क, अंदर से नरम, और अंदर जाओ तो वाटर, एकदम पानी पानी। रियलाइजेशन का नारियल। हमको लगता था हम ही सब कुछ ठीक है, हम ही बरोबर है, मैं जो सोचती हूँ वही ठीक है। ये गलत फहमी का कड़क सख्त पना जो था, थोड़ा अंदर उसको ब्रेक करेंगे तो पता चलेगा कि उस ब्लैक के साथ अंदर फुल प्योर वाइट भी है, और वो ऊपर के हार्ड कवर के भेंट में वो अंदर का सॉफ्ट पोर्शन भी है। तो गलत फहमियों के जाल से जब बाहर निकलेंगे, उसको ब्रेक करेंगे नारियल को, तो अंदर में सॉफ्ट स्वीट ऐसे नारियल का टेस्ट जो है, कोकोनट का टेस्ट जो है, वो बहुत सुंदर है। अर्थात जब गलत फहमियों का कवर टूटेगा तो सुखद अच्छाइयां मेरे सामने सॉफ्ट वे में, सुखद वे में, स्वीट वे में मेरे सामने आएगी, और वो स्वीटनेस जीवन के अनुभवों में ऐड होगी और गलत फहमियां दूर होगी। लेकिन अगर और थोड़ा योग का एडिशन होगा उसमें, बाहर से जब उसको और अग्नि लगेगी, तो वो जो हार्ड कवर के साथ जो अंदर का, जिसको हम खोपरा कहते हैं, नारियल कहते हैं, वो भी टूटेगा और उसके अंदर प्योर जल, नारियल पानी, इतना सॉफ्ट, इतना सहज, इतना सरल, वो तरल पदार्थ लिक्विड फॉर्म में बाहर आएगा। तो बाबा भी कहते हैं जब हम अनुभवी बन जाते हैं तो वो अनुभव की चीज मेरे लिए नारियल पानी की तरह वॉटरी होगा, एकदम सॉफ्ट होगा, लेकिन स्वीट होगा, वो एक्सपीरियंस बहुत स्वीट होगा। तो बाबा के साथ का अनुभव, माया पर विजय प्राप्त करने का अनुभव, माया से विदाई और जुदाई लेने का अनुभव, और बाबा से बधाई लेने का अनुभव, वो बहुत स्वीट होगा। ये नारियल चढ़ाया है, ये नारियल समर्पित किया है, होली में नारियल चढ़ाते हैं ना, और फिर प्रसाद के रूप में उस नारियल को लेना भी चाहते हैं। जब अग्नि बुझ जाती है, शांत हो जाती है, सबको जलाकर राख कर देती है, तब वो हार्ड कवर अंदर की चीज को पकाता जरूर है पर जलाता नहीं है, सुरक्षा प्रदान करता है। बाहर का हार्ड कवर खुद जल जाएगा लेकिन अंदर की चीज की सेफ्टी बनाए रखने का संपूर्ण प्रयास करेगा। बाबा भी कहते हैं ये ऊपरी स्वरूप जो है वो माया का हार्ड कवर है, जो गलत फहमियों में हम जीतते हैं, लेकिन जब ये होली उस कवर को जला देगी तो अंदर का ओरिजिनल फॉर्म बाहर आएगा, और वो कच्चा नहीं रहेगा, अब परिपक्व बनकर बाहर आएगा, एक्सपीरियंस पर्सन बनकर हमको बाहर लाएगा। और ये अनुभव हमारे अंदर की जो भी कच्चा था, जो भी कमियां थी, थोड़ी सी जो विशेषता थी, पर 80% विशेषता है, 20% उसमें कुछ कमी थी, फॉल्ट था, वो कमियां इस अग्नि में जलकर परिपक्व बन जाएंगे, हम एक्सपीरियंस पर्सन बन जाएंगे, और अब 100% एक्सपीरियंस पर्सन अर्थात अनुभवी बन जाएंगे। अब वो नारियल पक गया है, अब वो प्रसाद बन गया है। एक्सपीरियंस पर्सन के कॉन्टेक्ट में जब हम आते हैं तो उसका संग हमें सुख देता है,
आगे बढ़ाता है, हेल्प करता है, उन्नति की ओर ले जाता है। तो ऐसे हमें अपनी कमी कमजोरियों का नारियल अंदर डालना है और एक्सपीरियंस का प्रसाद बाहर लेना है। तो मनाएंगे ऐसी होली, मनाएंगे, याद रहेगी। अभी स्थूलता कम और सूक्ष्मता की होली ज्यादा मनाएंगे, है ना? यस। अब क्या करते हैं, जब होली जल गई उसकी परिक्रमा करते हैं, अगेन रिस्पेक्ट देते हैं और फिर जो जली है होली उसका काला राख ऐश उसका तिलक लगाते हैं। उन बुराइयों पर मैंने विजय प्राप्त कर ली, जलाकर बुराइयों को भस्म कर दिया और अब उसकी ऐश लगाकर विजय की निशानी, सक्सेस की निशानी, सफलता का तिलक देते हैं। अब इतना सब करके अब थक गए होंगे पक्का तो अब थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। तो ऐसे तिलक लगाकर, खुशियां मनाकर, होली जलाकर, ठंडी भी होती है ना थोड़ी, तो थोड़ी सी हीट बढ़ा देते हैं उस ठंडक को भगाने के लिए, और ऐसी होली जलाकर फिर थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, नैप ले लेते हैं, फिर सुबह उठते हैं और फिर रात को तो काले कलर से थोड़ी होली खेल लेते हैं उस जली हुई अग्नि के साथ जो ऐश बची है उससे, और दूसरे दिन फिर जब हमें माया का संग छूट गया, टूट गया रिश्ता उससे, अब परमात्मा संग जुड़ गया है, परमात्मा से रिश्ता जुड़ गया है, क्योंकि कुछ छूटा है तो कुछ मिला है, रात गई है तो दिन आया है, माया से विदाई ली है तो बाबा से बधाई लेने आ गए हैं। तो परमात्मा मिलन, सत्य का संग मुझे मिला है, और जब इस संग में हम रहते हैं तो उसके खुशियों के रंग, सात गुण है ना आत्मा के, सुख, शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम, ज्ञान और पवित्रता, ये सातों रंग रेनबोज के कलर है, सातों है ना, विजर, और ये सातों रंग से हम होली मनाते हैं। और दूसरे दिन फिर सब बच्चे कलरफुल हो जाते हैं, वैसे देखे तो सब भूत जैसे लगते हैं ना, शक्ल ही पहचानी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी उसका भी मजा लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम कैसे दिखेंगे, वैसे थोड़ा भी लुक बिगड़ता है तो किसी के सामने जाना हम पसंद नहीं करते हैं। कभी ऐसा किया कि एक आंख में काजल लगा और दूसरे में बाकी रह गया, सामने वाले से मिलकर आ गए, मींस कोई पर्सन हमें मिलने आए तो कहते ठीक है एक आंख में लगा ना, उनसे मिल लेती फिर दूसरी आंख में लगा लूंगी, कभी ऐसे कोई करता है? आधी लिपस्टिक ऊपर लगाई और नीचे बाकी हो, कोई मिलकर आएगा? नहीं, कहते अच्छा नहीं लगेगा, और यहां तो यहां लाल, वहां पीला, यहां हरा, यहां ब्लू, यहां नीला, चेहरा ही पहचाना नहीं जाता है। फिर भी वो खुशियों के ऐसे रंग है, इसीलिए होली हमें याद दिलाती है कि जब परमात्मा रंग में आत्मा रंग जाती है, उस सत्य का संग अनुभव करती है, तो देह भान ऑटोमेटिकली छूट जाता है, और इसलिए कैसे भी दिखते हो हमें उसकी परवाह नहीं, हम तो उस सत्य के संग में ऐसे रंगे हुए हैं, ऐसे खोए हुए हैं, ऐसे मिलन मुलाकात का सुंदर अनुभव कर रहे हैं कि देह भान संपूर्ण टूटा हुआ है,
वैसे गीले व्यक्ति कोई किसी के सामने जाता है? पसंद नहीं करते है ना। गीला व्यक्ति किसी के सामने जाना पसंद नहीं करता है ना, लेकिन उसमें पानी भी डालते हैं, रंग भी डालते हैं, सूखा कलर भी डालते हैं, गीला कलर भी डालते हैं, जो चाहे करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इफेक्ट लेस, प्रूफ लेस, वॉटर प्रूफ, कलरफुल, कलर प्रूफ, हर प्रकार बॉडी कॉन्शियस प्रूफ बन गए सारे। अभी मना लेना, आज और अभी। अगर अभी अभी सुनते सुनते प्रेजेंट में फील करेंगे उसको, उस संग को, उस जलाने को, उस रंग को, तो होली के दिन मनानी नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी उसमें खोए हुए हैं, ऑलरेडी परमात्मा संग आज से ही होली शुरू हो गई हमारी तो, है ना। इसलिए जब हम मुरली सुनते हैं तो सुनते सुनते ही उसको फील करना है, तो वो पॉइंट याद नहीं रखनी पड़ती, वो यादगार बन जाती है। वो ऐसी सुंदर यादगार बन जाती कि भुलाए नहीं भूलती है। तो हम भी ऐसी होली मनाएं, एक दिन नहीं मनानी है, ये होली रोज मनानी है। रोज कोई ना कोई कमी कमजोरी की बुराई की होली जलानी है और परमात्मा संग की होली मनानी है, कंबाइंड रहने की होली मनानी है। मनाएंगे ऐसी होली। अब परमात्मा पवित्रता का सागर है, उस सागर की मैं संतान हूं, उसके साथ कंबाइंड हूं, तो माया आ नहीं सकती क्योंकि जल चुकी। पर अगर मैंने उस सागर का साथ छोड़ दिया, कंबाइंड से मैं जुदा हो गई, अलग हो गई, तो फिर माया को मार्जिन मिलती, अगेन वो आ जाती है। फिर मेरे अंदर परमात्मा संग हमारे अंदर उमंग उत्साह पैदा करता है, खुशी पैदा करता है, सुख शांति पैदा करता है, और माया का संग मेरे अंदर आलस और अलबेलापन क्रिएट करता है। तो अपनी अवस्था को देखकर पता चल जाता है हमें कि माया के संग में हूं कि बाबा के संग में हूं। जहां आलस अलबेलापन संकल्प में भी आया कि अभी नहीं करती, ये काम बाद में कर लूंगी, ये काम पोस्टपोन करती, अभी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूं, तो समझ लेना कि माया का संग लग गया और बाबा का संग छूट गया। और जहां फील होता है अभी नहीं तो कभी नहीं, जो करना है अभी करो तुम, तो फील करना सत्य के संग में हूं, उस संग का रंग लगा है मुझ पर और उस रंग में रंगी हुई हूं। और वो रंग थकने नहीं देता। जैसे रंग लगा है तो कलरलेस नहीं है ना, आप कलरफुल है ना, तो कोई चीज जब कलरफुल होती है तो बहुत सुंदर दिखती है, अट्रैक्ट करती है, कूल फील होता है उसको देख करके। ऐसे जब हम बाबा के संग होंगे तो मुझे देखकर कोई कूल फील करेगा, कोई मुझे देखकर उमंग उत्साह में आ जाएगा, कोई मुझे देखकर शांति की अनुभूति करेगा, कोई मुझे देखकर उनके अंदर प्रेम की उत्पत्ति होगी। मुझे देखकर एक प्योर फीलिंग क्रिएट होगी उनके मन में। तो ये जब मैं उस रंग में रंगी होंगी तो मेरे इस रंग की इफेक्ट औरों पर भी होगी। जैसे काला कलर है तो लोगों को देखकर डर लगता है, लोगों को देखकर नींद आती है,
लोगों को मैसेज मिलता है अब सोना है, अब जागना नहीं है। और जब सूर्य उदय होता है तो लोगों को एक मैसेज मिलता है, अब उठो भोर भाई, अब सुबह हो गई, जागो, अब काम पर लगो, अब कुछ करना है, अब शिथिल होकर बैठना नहीं है, है ना, एक्टिव होना है, पैसिव नहीं रहना है। अभी सूर्य किरण ये एनर्जी देती है। ऐसे मेरी स्थिति जो मैं मन में अनुभव कर रही हूं वो औरों को अनुभव कराएगी। मैं एक्टिव हूं, उस रंग में रंगी हूं, उस रंग में डूबी हूं, उस रंग में खोई हुई हूं, तो मुझे देखकर परमात्मा प्यार में कोई खोएगा, कोई परमात्मा प्यार में डूबेगा, कोई परमात्मा संग का अनुभव करेगा। ये अनुभूतियां मेरे फेस को देखकर, मेरे वाइब्रेशन को कैच करके उन्हें महसूस होने लगेगी। मुझे बोलना तक नहीं पड़ेगा, वो देख के फील कर लेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। ये है, हम भी रंगे रहे और अपना रंग औरों पर भी लगाए। आप सबको पहुंच रहा है हमारा रंग? पहुंच रहे? किसी आत्मा को शक्ति प्रदान करती है, लाल रंग का तिलक लगा दो। और हर आत्मा को शक्ति चाहिए, हर शुभ कार्य के लिए शक्ति चाहिए, चाहे वो पढ़ाई करे चाहे वो लड़ाई करे। युद्ध के मैदान में लोग जाते हैं तब भी तिलक निकालते हैं विजय का, और जब कोई परीक्षा में जाता है तो भी भगवान का टीका देते हैं कि ईश्वर का साथ आपके साथ रहे और शक्ति मिले, इसलिए लाल कलर का तिलक देते हैं। कोई कुंकू कहता है, कोई रोली कहता है, अलग अलग शब्द से उसको पुकारते हैं, लेकिन रेड कलर मीन्स पावर पास की। रिंग फिंगर से भी देते हैं और अंगूठे से भी देते हैं। ये धरती तत्व है, ये पानी तत्व है, ये आकाश तत्व है सबसे ऊंचा, ये वायु तत्व है, ये अग्नि तत्व है। अग्नि मीन्स फायर, वो एनर्जी देती हूं इस अंगूठे से रेड कलर का, ताकि आपको अग्नि में प्रदान कर रही हूं, मेरी भी अग्नि देती हूं कि अब जाओ दुश्मनों पर वार करने तो जला कर ही आना, खत्म करके आना। तो विजय का तिलक कहा जाता है। और ये पृथ्वी तत्व देते हैं, धरती जो सबको अपने अंदर समाती है, सबको अपने सीने पर बिठाती है, अपनी गोद में बिठाती है, तो इससे भी हम एनर्जी देते हैं कि जो भी परिस्थिति आए उसको समा लेना, आप बड़े बन जाना उसको छोटा बन के अपने अंदर समा लेना। तो रेड कलर का तिलक, और कौन से कलर का तिलक देते हैं? येलो कलर का, चंदन का टीका। दो ही तिलक देते हैं ना, या तो चंदन का देंगे या तो कंकु का देंगे, और कोई चीज का टीका दिया जाता है? नहीं। तो येलो कलर जो है वो खुशी, कि आपके पास तो खुशी है पर हम अपनी तरफ से भी आपको मेरी खुशी भी सहयोग में दे रही हूं। डबल खुश होकर के जाना और खुशी खुशी पेपर लिखना, और जब मिजाज खुश होगा तो रिजल्ट गुड होगी, क्योंकि खुशी अपने आप में एक शक्ति है, और वो शक्ति, जब खुशी की शक्ति भी मिलती है तो कार्य में सफलता निश्चित है। ये सफलता हमारे जीवन में भी बहुत जरूरी है,
जब खुशी का गुण मुझ आत्मा में होता है तो मैं जो भी खाऊं, पत्थर भी खाऊं तो हजम हो जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी स्ट्रॉन्ग बनती है। अगर जीवन में खुशी की कमी है तो हमारा हाजमा ठीक से काम नहीं करेगा, फिर तो सिंपल दाल रोटी भी नहीं पचेगी। क्लियर? तो इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए भी आवश्यक है, तो बाह्य पेपर देने के लिए भी खुशी की आवश्यकता है। खुशी में रहेंगे तो उमंग उत्साह से काम करेंगे और हर कार्य को संपन्न और संपूर्ण करके आएंगे, मतलब विजय और सफलता निश्चित है। जहां खुशी है वहां सफलता निश्चित है, विजय निश्चित है। जहां खुशी की कमी है वहां पराजय है, वहां हार है। पीला कलर सवेरे को प्रस्तुत करता है, काला कलर अंधेरे को प्रस्तुत करता है। तो पीला कलर सवेरा मतलब खुशियों की सुबह आ गई आपके जीवन में, सफलता रूपी दिन तैयार पीछे बैठा है। तो क्लियर? तो ये लाल कलर की और पीले कलर की होली मना ली हमने, अब ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर किसका प्रतीक है? लव, प्यार। जहां प्यार होता है ना वहां पर हरियाली छाती है। जहां दो लोग प्यार से रहते हैं ना वहां वायुमंडल खुशहाल बन जाता है, सुख का बन जाता है। और आपसी प्यार के बगैर तो जीवन ही नहीं है। तो ईश्वरीय प्यार अगर उसमें ऐड हो जाए तो सोने पर सुहागा और मैं परम धाम भागा। थोड़ा प्रास में बोलते हैं तो मजा आएगा, है ना? तो ऐसे परमात्मा प्यार, रूहानी हर आत्माओं के साथ प्यार, ये आपसी प्यार का हरा रंग एक दूसरे पर लगाना है। और ऐसे प्यार में हर कमी कमजोरी को खत्म कर एक रूहानी रिश्ता बनाना है और उस रिश्ते में बहुत सुंदर प्यार का अनुभव करना भी है बाबा के साथ और सर्व आत्माओं को कराना भी है। फिर ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर, ये शांति का प्रतीक है। जब ग्रीन कलर होगा हमारे जीवन में, प्रेम होगा, तो हमारा हार्ट भी प्रॉपर वर्क करेगा, क्योंकि लव से दिल जुड़ा हुआ है। तो ये गुणों की इफेक्ट बाहर चेहरा तो सजाएगा पर आंतरिक शारीरिक शक्तियों को भी क्रिएट करके उसे भी निरोगी रखेगा। और शांति का गुण मेरे कंठ को बहुत मधुर बनाएगा। शरीर के रूप में कंठ के अंदर बहुत मिठास होगी, कहते इनकी वाणी सुनो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, खो जाते हैं, सारे दर्द भूल जाते हैं, खुशियां आ जाती जीवन में। और शांति का भी प्रतीक है। तो शांति के बगैर तो जीवन चलेगा ही नहीं, सुख भी चाहिए तो शांति भी चाहिए। और कौन सा कलर रह गया? ऑरेंज कलर, प्योरिटी का कलर। उससे हमारे स्टमक के जो ऑर्गेन्स है, किडनी, ओवरीज, यूट्रस, ये सारे प्रॉपर वर्क करेंगे। ये पवित्रता का कलर।
हमारे संबंधों में और सुनहरा रंग भर देगा। ये हमें शक्ति प्रदान करेगा। जैसे कोई भी दुश्मन वार करता है ना, जैसे बॉडी के ऊपर, तो स्किन पर पहले इफेक्ट होती है। जैसे सूर्य की किरण हमारे शरीर पर पड़ती है, विटामिन डी देती है, पर दोपहर 2 बजे का सूरज हमारी स्किन को जला देता है ना, अंदर नहीं जला सकता पर बाहरी जो कवर है उसको जला देता है। तो इम्प्योरिटी हमारे अंदर स्किन डिजीज क्रिएट करता है और प्योरिटी हमारी स्किन को हील कर देता है, हेल्दी रखता है। ऐसे एक एक कलर मन के ऊपर भी इफेक्ट देते हैं तो तन के ऊपर भी इफेक्ट देते हैं। गहरा जामुनी रंग ज्ञान का प्रतीक है, नॉलेज। तो हमारे मस्तिष्क को शांत और समझदार बना देता है। हर बात कंफ्यूज नहीं होते हैं उसमें, क्लियर रहते हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। तो हमारे ब्रेन की पावर को बढ़ाने का काम ज्ञान करता है। ऐसे एक एक रंग, बाह्य रंग भी हो, ये गुणों के रंग भी हो, ये संगीत के साथ सुर भी हो इसके अंदर, और जीवन के संग भी हो ये, अर्थात हमारा शरीर भी तो इसके साथ जुड़ा है ना, मन की भावनाओं के साथ। तो एक एक रंग की, एक एक गुण की, एक एक संगीत के सुर की, ये शरीर उसके साथ है आत्मा के, तो उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। और जैसे यहाँ रंगों की खुशहाली है, ऐसे जीवन भी स्वस्थ है, निरोगी है। ऐसी सुंदर होली मना कर दो, हम अपनी ट्रीटमेंट ही कर देंगे बॉडी की। मन खुश तो जहान खुश। मजा आया सबको होली मनाने में? लगाए सारे रंग, पहले अपने पर के औरों पर, पहले किस पर? ये रंग पहले हम अपने पर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? जब बाबा के संग होंगे तो अपने आप लग जाएंगे, लगाने नहीं पड़ते। जब कोई प्रियजन मेरे सामने हो जाए ना, तो मुझे लाली नहीं लगानी पड़ती है, फोटो पे रोज नहीं लगाना पड़ता है। उसको देखकर जो मेरे चेहरे में प्रसन्नता आती है, वही मेरे गालों को और मेरे होठों को लाल कर देता है, मेरे चेहरे की सुंदरता बढ़ा देता है। मेरे द्वारा जो खुशी के वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, वो सुगंधित प्यार की फ्रेग्रेंस की खुशबू फैला देता है। कुछ करना पड़ता है? सिर्फ देखते ही सारे रंग निखर जाते हैं। ऐसे परमात्मा के संग में, परमात्मा के साथ कंबाइन रहने से ये स्थूल रूप के रंग लगाने नहीं पड़ते हैं। इनर क्वालिटी के रंग, इनर वाइब्रेशंस के रंग हमारे अंदर से अपने आप नेचुरल फ्लो होने लगते हैं। और ये रंग जब बिखरते हैं तो सब पर अपना छटा बिखेर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि हवा जब उड़ती है तो माटी उसको साथ देती है और वो भी उड़ती है, और जब हवा जोर से उड़ती है तो वो व्यक्ति हो, स्थान हो, कपड़े हो, बर्तन हो, कोई भी चीज हो, सबके ऊपर धूल मिट्टी चढ़ जाती है ना, कहते सब पे रंग लग गया है। नेचुरली, किसी ने लगाया नहीं, डस्ट उड़ाई नहीं किसी ने बैठ करके, नेचुरली, क्योंकि हवा खुशी में नाच रही है तो माटी भी उसको साथ दे रही है, और वो फिर चारों तरफ डस्ट फैला देती है, मतलब रंग बिखेर देती है। वो अपने रंग बिखेरती है जो उसके पास है। हमारे पास भी तो कोई 7 गुणों के रंग है, क्यों नहीं हम सर्व शक्तियों के, सर्व गुणों के, सर्व कलाओं के रंग बिखेरे और सबके जीवन को सुंदर बना दे। स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम से जुड़े हैं, खुद तो सुंदर है ही और औरों को भी
सुंदर बना देते हैं अपने सानिध्य में, अपने संग में लाकर। और फिर क्या होता है, सब रंग लगा दिए, खुशियां मना ली, खूब एंजॉय किया, अब लगाने का एंजॉय किया, अब थोड़ा खाने पीने का भी एंजॉय हो जाए, होता है ना। बस यही तो बाकी रह गया अब त्योहार मनाने में, लास्ट स्टेप। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें भी मीठे मीठे बोलों की मिठास वाली वाणी, मधुर वाणी, इसके द्वारा मिठाई खानी भी है। क्योंकि जब मैं बोलती हूं तो सिर्फ आप नहीं सुन रहे हो, ये वाणी मैं भी सुन रही हूं, मैं भी सुन रही हूं ना अपनी आवाज को, तो ये मिठास मैं भी खा रही हूं और आपको भी खिला रही हूं। मैंने मिठाई बनाई, मैंने भी खाई, आपको भी खिलाई, तो ये मिठाई भी जो मैंने यहां बनाई है, ये यहां बनाई है, ये अब मैं भी खा रही हूं सुन करके और आपको भी खिला रही हूं। तो आप सभी को होली की मीठी दिल खुश मिठाई स्वीकार हो, प्यार से, भरे भाव से, विद सम्मान, ठीक है। फिर किसी को ढोकला भी भाता है, किसी को कचौरी भी भाती है, तो कुछ बातें जो रहा स्ट्रांग रही होगी, कुछ हमारे लिए कड़क होगी जो हम उसको नहीं कर पाते हैं कई बार, तो वो कचौरी की भी आज तोड़ के स्ट्रांग बन जाएंगे और उसको भी थोड़ा चबा चबा के, चर्निंग कर करके उसका भी मजा ले लेंगे, ठीक है। तो नमकीन भी हो गया और थोड़ा मीठा भी हो गया, ठीक है। होली हो गई, अब थोड़ा जाकर नहाते धोते हैं और फिर रेस्ट करते हैं बाबा की गोद में। ओम शांति। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, पूछ सकते हैं। तो इस वर्ष की होली यादगार होली होगी, विशेष होली होगी, यूनिक होली होगी, पावरफुल होली होगी, है ना। अब तक यहां वाली थी, अब यहां वाली भी होगी। खूब खूब होली की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और हमारी तो यही शुभकामनाएं आप सबके लिए कि इस बार की होली आप पूरे विश्व की हर आत्माओं के साथ मनाएं मन से, ताकि पूरा विश्व एक विश्व परिवार हो, हमारा विश्व बंधुत्व की भावना हो। और जब हम योग में भी बैठे तो ऐसे सुंदर होली मनाएं कि विश्व के परिवार का एक भी बंदा इस बार इस होली से कोई वंचित न रह पाए। हम सब पर ये प्यारा रंग लगा कर रहेंगे और सबको सजा कर रहेंगे, और जो इस रंगों से सज जाएगा ना, उसको कभी माया की सजा नहीं खानी पड़ेगी। बाबा के साथ सर पे ताज की तरह सजे सजाए रहेंगे, डबल क्राउन प्रिंस प्रिंसेस। ओम शांति।